नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। रीवा, मध्य प्रदेश के रीवा के एक मंदिर में युवती की मांग भरने के बाद हमेशा साथ रहने का वायदा कर शारीरिक सुख भोग कर छोड़ देने वाली युवक को अब हवालात की हवा खानी पड़ रही है। सेमरिया क्षेत्र की पीड़ित युवती से गढ़थाना क्षेत्र के युवक का संपर्क होने पर उनकी आपसी नज़दीकियां बढ़ती चली गई, जिससे दोनों में प्यार हुआ और शादी के लिए सहमति हो गई। युवक उसे बसावन मामा ले गया, जहां मंदिर में मांग भर कर वादा किया कि जल्द ही परिवार के लोगों से बात कर बारात लेकर आऊँगा। इसके बाद युवती को रिश्तेदार के घर ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया। युवती ये सोचती रही कि अब जल्द ही शादी की औपचारिकताएं पूरी होगी और वह दुल्हन बनकर ससुराल जाएगी, लेकिन युवक लंबे समय तक हील हवाला देता रहा। इसी बीच युवक ने दूसरी शादी रचा ली और 6 माह से दोनों के बीच बिल्कुल बातचीत बंद हो गई है, जिसके बाद युवती ने परिजनों के साथ मिलकर थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने आरोपी राहुल साकेत के विरुद्ध FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसे शुक्रवार को न्यायालय ने जेल भेज दिया है। ये ग्राम बीड़ा सिमरिया की रहने वाली एक 30 वर्षीय युवती है। इसके साथ एक ग्राम भटवा का रहने वाला युवक है, जो 3 साल पहले इसके साथ जान पहचान करके और इससे शादी का झांसा देकर इसको बसावन मामा लेकर गया था। वहाँ इसकी मांग में सिंदूर डाला और उसके बाद उसके ही परिजन जो ग्राम बरहों में रहते हैं उनके घर जाकर घर सुनसान घर में इसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था। उसके बाद लगातार लड़की से अलग अलग जगहों पर ले जाकर शादी करने का झांसा देकर इसके साथ दुष्कृत किया, जिस पर कल दिनांक को लड़की ने रिपोर्ट की थी, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। हाँ, आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। रीवा से खबर समय जगत के लिए बलकरण पासी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।